हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती मांडला। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में कार शासन क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ताम्रपत्र अभिलेख, ऑप्शन बी साधारणतः प्रचलित सिक्के, ऑप्शन सी खेल कड़ी मुद्राएं, ऑप्शन डी मंदिरों की शिला भित्तियों पर उत्कीर्ण अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है साधारणतः प्रचलित सिक्के। प्राचीन भारत के संदर्भ में कार शासन साधारणतः प्रचलित सिक्के हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु द्वारा संचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं, अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन बी पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन सी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन डी हखामनी ईरानियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हखामनी ईरानियों द्वारा। सिंधु द्वारा संचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले हखामनी ईरानियों द्वारा दिया गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी पंचतंत्र, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी राष्ट्ररंगिणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किस एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने किया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जेम्स मिल, ऑप्शन बी जे एस मिल, ऑप्शन सी बी ए स्मिथ, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। तो इसका राइट आंसर है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किया है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, तमिल कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आदि पुराण, ऑप्शन बी संगम साहित्य, ऑप्शन सी परिये पुराण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है संगम साहित्य। तमिल कविताओं का संग्रह संगम साहित्य नाम से जाना जाता है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, पुरातत्व एक स्वतंत्र विषय के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया था? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गार्डर चाइल्ड, ऑप्शन बी एचडी संकलिया, ऑप्शन सी सर मार्टिन व्हीलर, ऑप्शन डी जेम्स विल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सर मार्टिन व्हीलर। पुरातत्व एक स्वतंत्र विषय के रूप में सर मार्टिन व्हीलर ने प्रतिष्ठित किया था। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दस राजाओं के युद्ध का उल्लेख किस में मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। दस राजाओं के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में चार वर्णों के उद्गम का संकेत मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उषस, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी नासद्य, ऑप्शन डी अरण्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पुरुष। पुरुष वैदिक सूक्त में चार वर्णों के उद्गम का संकेत मिलता है। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूक्त तत्वमसी निम्नलिखित में से किस उपनिषद से मिलती है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए छांदोग्य, ऑप्शन बी मुंडक, ऑप्शन सी मांडुक्य, ऑप्शन डी ईश्वास्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए छांदोग्य। प्रसिद्ध सूक्त तत्वमसी छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में ये कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े अथवा ताम्रपट्टिका पर लिखे जाते थे?
इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पराशर स्मृति, ऑप्शन बी मनु स्मृति, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन डी शंख स्मृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मनु स्मृति। मनु स्मृति में ये कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।